दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले मुकाबले में ही कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जहां बुमराह और कुलदीप ने कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर, तो जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भी दिखाई कमाल। तो आखिर कैसे फिरकी के सामने बेबस नजर आए कंगारू बल्लेबाज, कैसे भारतीय गेंदबाजों का रहा चेन्नई के मैदान पर बोलबाला, क्या हुआ इन दोनों टीमों के बीच पहले मुकाबले में करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का शंखनाद कुछ दिन पहले ही हो चुका था, लेकिन भारतीय टीम अपना पहला विश्व कप मुकाबला खेलने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मैदान पर उतरी। इस मैच के लिए करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और दोनों ही कप्तान जब टॉस के लिए मैदान पर आए तब बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मिशेल मार्श उतरे, वहीं टीम के लिए पहले ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह आए और अपनी खतरनाक गेंदबाजी से केवल एक रन दिया। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने खतरनाक अंदाज में चौका जड़ा, लेकिन उन्होंने उसके बाद बेहतरीन वापसी की और एक भी रन नहीं दिया। भारतीय गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श को खतरनाक गेंद डालकर फ्लिप में विराट कोहली के हाथों कैच लपक कर भारतीय टीम को पहला विकेट झटक कर दे दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम को 5 रनों के स्कोर पर तीसरे ओवर में ही पहला झटका लग गया। वहीं डेविड वार्नर का साथ देने अब मैदान पर स्टीव स्मिथ आ चुके थे और वार्नर के साथ मिलकर अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं डेविड वार्नर का बल्ला धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया, एक के बाद एक चौके लगाने लगे। टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए हार्दिक पांड्या के ओवर में डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने मिलकर 3 चौके जड़ दिए और 13 रन बटोर लिए। एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद रोहित शर्मा ने इस पर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को थमा दी और अश्विन ने टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए और शानदार गेंदबाजी की, केवल उन्होंने 3 रन इस ओवर में दिए। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया, पूरे पावर प्ले में भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस गए और पावर प्ले में केवल भारतीय गेंदबाजों ने 43 रन बनाने दिए और एक विकेट भी अपने नाम किया। मगर पावर प्ले के बाद ये दोनों बल्लेबाज तेजी से अपनी टीम के लिए रन बनाना शुरू कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश कर रहे थे, हर गेंदबाज से ओवर डलवा रहे थे, मगर स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर संभल कर अपनी टीम की पारी को आगे ले जा रहे थे और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 71 रनों तक पहुंचा दिया। केवल एक विकेट ही गिरा था। दोनों बल्लेबाज एकदम संभल कर बल्लेबाजी करते भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक कैंडल में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की तलाश थी, हर कोई विकेट निकालने की कोशिश कर रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी चाहते थे कि भारतीय टीम को जल्द से जल्द विकेट मिले, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। इन दोनों के अंदर काफी प्रतिभा मैच को बदलने की है, लेकिन विकेट की तलाश करते रहे कप्तान रोहित शर्मा और गेंद उन्होंने कुलदीप यादव के हाथों में थमाई और कुलदीप यादव ने 17 ओवर में तीसरी गेंद पर खुद कैच पकड़ टीम को दूसरा झटका दे दिया और डेविड वार्नर 52 गेंद पर 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम को 74 रन पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद पूरे स्टेडियम में भारतीय टीम के नारे लगने लगे और पूरा क्रिकेट जगत देखकर हैरान रह गया, मानो खुशियां 7वें आसमान पर हो। मगर मैदान पर स्टीव स्मिथ अभी टिके हुए थे और उनके साथ देने अब माने लबुशंके आ गए। ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे, अपनी टीम को बड़ी पार्टनरशिप देना चाहते थे, इसलिए ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को बचकर प्रहार कर रहे थे। पूरे स्टेडियम में भारतीय फैंस में खुशी का माहौल था। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से दबदबा बनाकर रखे हुई थी। भारतीय गेंदबाज शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे। गेंदबाज पर कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन बेहद अलग अंदाज में अपनी फिरकी दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उनकी गेंद को समझ नहीं पा रहे थे और दोनों बल्लेबाजों को काफी दिक्कत हो रही थी भारतीय गेंदबाजों का सामना करना। वहीं स्टीव स्मिथ टीम के लिए अब अहम पारी खेलना चाह रहे थे, धीरे धीरे रन आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से शिकंजा कसकर रखा हुआ था। इतनी आसान नहीं हो रहा था कंगारू बल्लेबाजों को रन बनाना। भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से शिकंजा कसकर रखा हुआ था, एक एक रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैदान पर भारत की गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अपनी टीम के लिए केवल 24 ओवर में 98 रन ही बना सके थे और 2 विकेट गवा दिए थे। मैदान पर स्टीव स्मिथ 62 गेंद खेलकर 42 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। वहीं लबुशेन 20 गेंद में 16 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों का साथ दे रहे थे। भारत की खतरनाक गेंदबाजी को देखकर यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने
2200 से 280 रनों का ही स्कोर खड़ा कर पाएगी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे। गेंदबाज शानदार फॉर्म में दिख रहा था। जडेजा, अश्विन, कुलदीप, बुमराह, सिराज से लेकर हर गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। वहीं इस मैच में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने अपनी टीम को एक एक विकेट निकाल कर दिए। जहां कुलदीप यादव ने लंबी पार्टनरशिप की, इसमें डेविड वार्नर के बीच की थोड़ी और, वहीं शुरुआती विकेट का जसप्रीत बुमराह ने निकाल कर दिया। इस तरह से भारतीय टीम कंगारू के खिलाफ मैच में बेहतरीन खेल दिखाते हुए दिख रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में शतक लगा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।